हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित रस्तोगी। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। मैंने इस बार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2018-19 में 124वीं रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और मैं इस बार हिंदी माध्यम से टॉपर हूँ। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी जो इस तैयारी में हैं या इस तैयारी में आना चाहते हैं, ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई कमियाँ रही हैं, वो आप दोबारा ना दोहराएं। समय की, पैसे की, हर तरह की आपकी बचत हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। आज मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि मैंने अपनी तैयारी प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेप पर किस तरह से की है और किस किस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी टाइम वाइज चेंज की है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्री की बात करते हैं। यूपी जुडिशरी में प्री, अगर हम यूपी की बात करते हैं, तो 450 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पेपर जीएस का होता है, जिसमें 150 मार्क्स का होता है और 185 क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू एक मार्क्स की होती है। 2018 की न्यायिक सेवा परीक्षा से ही आयोग के द्वारा नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी गई है, जिसके बाद दूसरा पेपर होता है लॉ का, जिसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू दो मार्क्स की होती है। नेगेटिव मार्किंग वहाँ भी अप्लाई है। ओवरऑल हमारा जो क्लब बनता है वो 450 मार्क्स का बनता है। अगर हम 2018 के प्री रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो 208 नंबर पर कट ऑफ मार्क्स जनरल की गई है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ का जो लेवल है वो हाई नहीं है, बट नेगेटिव होने की वजह से हम सभी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कम से कम सेलेक्टेड क्वेश्चंस सेलेक्ट करें और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, इस दौरान मैंने अपनी तैयारी राहुल साईएस हिंदी माध्यम दिल्ली मुखर्जी नगर से की है। मेरी प्रारंभ से यह रुचि रहती थी कि अगर 100 मार्क्स का पीटी का पेपर है तो 90 या 95 मार्क्स का पेपर मैं क्वालिफाई करूँ, लेकिन समय के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि ये स्ट्रेटेजी गलत है, क्योंकि प्री आपका केवल क्वालिफाइंग है और आपको क्वालिफाई ही करना होता है। सबसे पहले किसी भी प्री का एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस स्टेट की कट ऑफ कितने मार्क्स पर जाती है। सपोज़ दैट किसी स्टेट की कट ऑफ 70 मार्क्स पर जाती है, तो हमें ये स्ट्रेटेजी सेट करनी होगी कि हम अपना टारगेट 75 मार्क्स के आसपास सेट करें। 75 मार्क्स हम अगर अचीव कर लेते हैं, हमारा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों के साथ ये कमियां रहती हैं जो हम देखते हैं कि हम बड़े टारगेट सेट करते हैं, सभी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। सेलेक्टेड पढ़ें, चीज़ों को कम से कम पढ़ें और रिवाइज़ करें। अगर हम यूपी की बात करते हैं, बेयर एक्स का बार बार रिवीजन कीजिए। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बेयर एक्स के जितने भी मार्जिनल नोट हैं उन सब की एक जीरोक्स कॉपी कराइए। वो जीरोक्स कॉपी कराने के बाद उन सबको एक जगह क्लब कीजिए। उसके बाद अपने बी आर एक्स का 2-3 बार अध्ययन कीजिए। उस अध्ययन करने के बाद जो भी सेक्शन से रिलेटेड पिन पॉइंट्स हैं वो उस जीरोक्स में लिखिएगा। उससे होगा ये कि आपको बार बार बी आर एक्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उस जीरोक्स कॉपी में ही आपका पूरा बी आर एक्ट आ जाएगा। और जितना कम से कम मटेरियल आपके पास होगा वो ले जाने में पढ़ने में आसानी रहेगी आपके लिए। आगे हम इसमें देखते हैं कि यूपी के लिए ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि घटना चक्र का अपना एक अहम रोल है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे बी आर एक्ट से बाहर के होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, हम उसके लिए घटना चक्र का बार बार रिवीजन करें। उसमें अदर स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मैं समझता हूँ कि प्री के लिए अगर हम लोग इतना प्रॉपर फोकस कर चलते हैं तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। कई बार मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं या हम सभी लोगों से पूछा जाता है कि सर कितना घंटे पढ़ें या क्या क्या चीज़ें फॉलो करें। देखिए, कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं, आपका टारगेट कितने आवर्स में कम्प्लीट होता है। मुझे लगभग 2.5 से 3 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और अगर आप मुझसे कभी पूछें कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है तो शायद मैं ये वैल्यूएशन करके आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से और शाम तक अपना एक टारगेट सेट करता था और कोशिश करता था कि उसे अचीव कर पाऊँ। तो मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करें। इसके बाद हम चलते हैं मेंस पैटर्न पे। मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्री के एग्ज़ाम देते हैं, प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। प्री क्वालिफाई होने के बाद हमें मैक्सिमम, जो किसी भी स्टेट की अगर हम बात करते हैं,
45 से 60 दिन मिलते हैं। 45 से 60 दिन में किसी भी स्टेट का मेंस का सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप रेगुलर टेस्ट दीजिएगा। सपोज़ आपका एक भी सब्जेक्ट है, आप एक सब्जेक्ट उठाइए, जो भी आप किसी कोचिंग से या जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है उनको ब्रीफली बनाइए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैंने एक बार एक एक सब्जेक्ट के 6-7 नोट्स बनाए हैं। उसका रीज़न ये होता था कि मैटर 5-6 पेजेस में होता था एक टॉपिक का, मैं उस टॉपिक को कम करके 2 पेजेस 1 पेजेस आधे पेजेस में लेके आता था। उससे हमारा रेगुलर रिवीजन होगा। फिर अपने नोट्स में ये सेट कीजिए कि बेसिक पैरा क्या होगा। कोई भी टॉपिक है, अगर सपोज़ दृश्यमान स्वामी सेक्शन 41 TPA पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि दृश्यमान स्वामी से आप समझते क्या हैं। उसके बाद आप उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, क्या BR Act की सेक्शन आपसे कहती है। इसेंशियल एलिमेंट्स बताते हुए उससे रिलेटेड अगर कोई लीडिंग केस लॉ है, आप लीडिंग केस लॉ बताइए। उसे सब कंप्लीट करने के बाद एक पोर्शन आता है जो कॉन्क्लूजन और इसेंशियल एलिमेंट्स के बीच में होता है, वो बहुत ट्रिकी इसेंशियल पार्ट है। उस पार्ट में आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, अगर आपकी किसी टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ है और ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट आप उस चीज़ की समझते हैं, तो वो आपकी विद्वता का परीक्षण उन 4 लाइनों में होगा। वो 4 लाइन आपका क्वेश्चन को अन्य व्यक्ति के क्वेश्चन से ऊपर उठा देंगी। सपोज़ दृश्यमान स्वामी का कॉन्सेप्ट अगर आपने किया है, तो दृश्यमान स्वामी का ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है वो आप वहाँ मेंशन करने की कोशिश करें। और मैं आपको ये बार बार बताऊँगा, अगर आप समझते हैं कि उसका ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है तब ही दें, अन्यथा बिना बात के लाइनें भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी प्रत्येक कॉपी की एक एक पंक्ति एक एक शब्द चेक होता है। मीडियम कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, हिंदी मीडियम से मेरी अभी तक की पढ़ाई रही है। 10th 12th BLLB मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, सभी जगह टॉपर रहा हूँ। माध्यम मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी नॉलेज, आपकी सततता, आपकी कंटिन्यूटी, आपका गाइडेंस, आपकी सोच, आपका लक्ष्य। मैं इस बात में आपसे ये कहना चाहूँगा, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि सर हिंदी मीडियम में कम रैंक आती है। मेरा मानना यह है आप मेहनत कीजिए। मैं अपने इंटरव्यू की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं राहुल साईएस में मॉक इंटरव्यू दिए हैं, मैंने बहुत अच्छे मेरे इंटरव्यू रहे हैं। वहाँ भी मुझे कमेंट यही मिलता था कि आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है। मैंने जब अभी आयोग में इंटरव्यू दिया, मेरे पैनल में जजेस बैठे, ऑनरेबल जजेस थे वहाँ, जो मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। मैं स्टार्टिंग में जैसे एंटर हुआ तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं अपना इंटरव्यू हर हाल में हिंदी में ही कराऊँगा। मैंने मे आई कम इन सर बोलने की जगह सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यहाँ से स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरे दिमाग में स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि मैं हिंदी में ही अपना इंटरव्यू दूंगा। मैं अंदर एंटर होता हूँ, सीट और डैस के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। कोशिश कीजिए अपनी सीट आपको ना हटानी पड़े। आपका जो बॉडी जेस्चर है, आपकी लैंग्वेज, आपका मैनर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ प्रदर्शित करती हैं। आपकी विद्वता का परीक्षण मेंस में हो चुका है, आपके बॉडी का, आपके ज्ञान का, आपके भाव भाव का परीक्षण इंटरव्यू में होता है। मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपने लॉ कहाँ से की है। मैंने बताया कि सर मैं कृष्णा कॉलेज बिजनौर का छात्र हूँ। उन्होंने मुझसे, मेरा जो कोड था 308, आपके इंटरव्यू में कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने इंटरव्यू में जाने से पहले ही अपने कोड की तैयारी कर ली थी। 308 मुझे IPC पता था, 308 मुझे CRPC पता था, 308 मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पता था। मेरा पहला क्वेश्चन ही लॉ से ये था कि 308 IPC क्या है। मैंने डिटेल्ड बताया, उसमें जो दोनों दंड हैं दंड के प्रावधान बताए। मुझसे क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि एक व्यक्ति यहाँ मरा हुआ लेटा है, उसके हाथ में कोई अंगूठी है, कोई व्यक्ति वो अंगूठी चुरा लेता है तो कौन सा अपराध होगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन परिस्थितियों की बात है कि वो स्ट्राइक करता है या नहीं करता। वो धारा 404 IPC का क्वेश्चन था। मैंने बताया तो पैनल मुझसे बहुत खुश रहा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकित जी ये बताइए कि एक जज अपने ऑफिस से निकलकर कोर्ट जा रहा, अपने घर से निकलकर कोर्ट जाता है, उसे क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन ईजी था, इस क्वेश्चन की कोई तैयारी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि सर एक गरिमा है एक इस पद की, उस व्यक्ति की, कि वो अपने घर से निकलकर जब कोर्ट तक पहुँचे तो कुछ प्रोटोकॉल से उनको फॉलो करे। और मैंने उसमें ये भी बताया कि सर माननीय न्यायाधीशों को इस संबंध में कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इस विशेष संरक्षण शब्द को सुनते ही उन्होंने कहा नहीं 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 ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो इस संरक्षण के बारे में मुझसे पूछना चाहते थे। अब मेरे इंटरव्यू का माहौल बदल चुका था, बात अब यहाँ आकर पहुँची कि अंकित जी अब ये बताइए कि
अगर एक हाई कोर्ट के वो एक जज हैं, क्या उनको नहा धोकर जाना चाहिए कोर्ट में? तो मैं थोड़ा मुस्कुराया, मैंने कहा सर कहीं किसी संहिता या किसी अधिनियम में तो वर्णित नहीं है, लेकिन सामान्य व्यवहार का ये क्रम है और दैनिक दिनचर्या में हमें नहा धोकर ही सब चीज़ें करनी चाहिए। बोर्ड बहुत खुश था। अब नॉलेज का परीक्षण हो चुका था, वो मेरे व्यक्तित्व का परीक्षण करना शुरू कर चुके थे कि मैं कहाँ तक जवाब दे पाता हूँ। उनका अगला क्वेश्चन था कि अंकित जी अब ये बताइए क्या उसे शेव कर जाना चाहिए? मैंने कहा, तो मैं भी थोड़ा मुस्कराया क्योंकि मेरी बहुत छोटी छोटी शेव बढ़ी हुई थी, तो मैं हंसा, मैंने कहा सर ये भी कहीं संहिता में वर्णित नहीं है, लेकिन सामान्य व्यवहार ये कहता है कि शेव करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप शेव करके क्यों नहीं आए हैं? मैंने कहा सर मैंने कल ही की थी। बोर्ड बहुत खुश हुआ। लास्ट स्टेटमेंट बोर्ड का ये था कि अंकित जी बहुत समय बाद इतनी शुद्ध हिंदी और सही भाषा का सटीक प्रयोग बहुत समय बाद देखने को मिला है। तो बस मैं यही अपने आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच।